हेलो फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट वेलकम टू सूर्योमा लर्निंग। स्वागत है आप सभी का सूर्योमा लर्निंग में। और अपने इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल का 22 मार्च का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने तीनों शिफ्ट से जो भी मुझे क्वेश्चंस मिले हैं वो सारे कवर किए हैं। इसमें जीके, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश सभी के क्वेश्चन हैं जो भी मुझे मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सूर्योमा लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकें। यहाँ हमने रेलवेज, एसएससी, व्यापम, बैंक से रिलेटेड वीडियोज आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। इससे रिलेटेड वीडियोज हम प्रोवाइड करते रहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग ईयर ऑफ मिस वर्ल्ड पार्टिसिपेशन। मिस वर्ल्ड पार्टिसिपेशन कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1951 से स्टार्ट हुआ था ये कॉन्टेस्ट। मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट 1951 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सी पोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर इज नॉन एज बाबुल मेज। बाबुल मेज से किस सी पोर्ट को जाना जाता है मुगल एम्पायर के? तो बदाची सी पोर्ट है ये। नेक्स्ट है नेम ऑफ ऑथरिस टू अचीव्ड द नोबल अवार्ड इन लिटरेचर। लिटरेचर में सबसे पहला अवार्ड किसको मिला था? तो वो मिला था टोनी मॉरिसन। ठीक है, टोनी मॉरिसन को सबसे पहले लिटरेचर में अवार्ड मिला था नोबल प्राइज। और नोबल प्राइज इंडिया से लिटरेचर में सबसे पहले किसको मिला था? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हु विंस द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2017। मिस वर्ल्ड 2017 का टाइटल किसको मिला? ये मिला था मानुषी चिल्लर को। मानुषी चिल्लर इंडिया से है, इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से है, देखते हैं। ये है वन वॉट इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स पर सेकंड। वन वॉट कितने जूल पर सेकंड के इक्वल होता है? तो वन वॉट वन जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। जो वॉट होती है वो पावर को मापने की इकाई होती है, और पावर क्या होती है? वर्क डन इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना वर्क डन होता है वो पावर मापने की इकाई होती है। होता क्या है, वन जूल की जो वैल्यू होती है वन जूल वो होता है वन वॉट सेकंड। ठीक है, तो वन वॉट सेकंड यहाँ इस तरह से पूछ लिया, ये तो आपने याद किया ही होगा वन जूल इक्वल टू वन वॉट सेकंड होता है। तो वन वॉट इक्वल टू कितना हो गया? वन जूल पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ लिया थोड़ा सा, तो जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए, बट वन वॉट इक्वल टू वन जूल पर सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स ऑफ लेविटी। लेविटी का सिनोनिम क्या है? तो लेविटी का मतलब क्या होता है? द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस मैटर विथ ह्यूमर और लैक ऑफ ड्यू रिस्पेक्ट। तो इस तरह से ट्रीट करना वो होता है लेविटी। लेविटी के सिनोनिम्स हो सकते हैं चेयरफुलनेस, जैसे कॉमेडी हो गया, चेयरफुलनेस हो गया, इस तरह के इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से देखते हैं। ये क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए दे रखा है 19, 21, 24, 26, 29। नेक्स्ट क्या नंबर होगा? देखिए सीरीज देखते हैं हम, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 19 से 21 के बीच में 2, 21 से 24 के बीच में 3, 24 से 26 के बीच में यहाँ पे आ गया 2, फिर यहाँ 3, तो यहाँ क्या आएगा? 2, 3, 2, 3, 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 31। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेम ऑफ नेशनल एनिमल ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का नेशनल एनिमल का नाम क्या है? तो बंगाल टाइगर्स है, रॉयल बंगाल टाइगर्स, ये बांग्लादेश का नेशनल एनिमल है। नेक्स्ट है परसेंट, ये आसपास वाले देश के बारे में काफी पूछा जाता है, इनके नेशनल एनिमल, नेशनल एंथम, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है? तो ऑक्सीजन 21% है एटमोसफेयर में। सबसे ज्यादा एटमोसफेयर में क्या है? तो वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितनी? 78% है। थर्ड नंबर पर ऑर्गन आती है, ऑर्गन है 9.93%। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद वाली बहुत कम है, तो पूछा नहीं जाता, ये चारों ही पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे ये। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन था इफ, ये फिजिक्स से क्वेश्चन था, इफ ई इक्वल्स टू 2, यू इक्वल्स टू 10, टी इक्वल्स टू 5, फाइंड एस। एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला था एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू की वैल्यू दे रखी है 10, टी की वैल्यू दे रखी है 5, हाफ ऑफ ए की वैल्यू आपको दे रखी है 2, और इस तरह से आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो क्या जाएगा आपका? 10 इंटू 5 प्लस हाफ ऑफ ए की वैल्यू है 2 इंटू टी की वैल्यू 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से आ जाएगा ये 50, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 25, कितना आ जाएगा आपका? 75 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं इस फॉर्मूले से इजीली इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। फाइंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, दोज एरिया इज 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया दे रखा है आपको। सेमी सर्कल की रेडियस क्या निकालनी है आपको? रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2। देखिए पूरे टोटल सरफेस सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको बीच में से आप काट देंगे, सेमी सर्कल बन जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2।
ठीक है, तो यही दे रखा है। इसका एरिया कितना दे रखा है, 693। यहाँ पे आप पाई की वैल्यू रख देंगे, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, तो और अंडर रूट लेके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड कॉस 60 माइनस 1/3 की वैल्यू निकालनी। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, माइनस 1/3। इस तरह से आप कर सकते हैं, 3 - 2 1/6 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम ऑफ इतने रुपीज बिकम्स इतना इन 6 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डबल, देन वॉट विल बी द अमाउंट ऑफ सेम पीरियड, कितना अमाउंट होगा। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको दे रखा है इतना, ये प्रिंसिपल दे रखा है, और आपका जो 6 साल में ये कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, मतलब कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना जाएगा। आप इसमें से ये अमाउंट हो रहा है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा अमाउंट, 7,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो 3,000 आपके अमाउंट आ जाएगा। तो इसमें आपको आप फॉर्मूला लगा के रेट निकाल सकते हैं, क्या कैसे निकाल सकते हैं, ऐसा ही क्या फॉर्मूला कहता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। एस आई की वैल्यू आपकी हो गई 3,000 इक्वल टू पी की वैल्यू हो गई 4,000 इंटू आपका ये कितना है, आर आर आपको निकालना है, और 6 ईयर्स के लिए डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से ये पूरा कट हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा 300 अपॉन 24। इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, अपना रेट निकाल ली, ये रेट आ गई आपकी, रेट आ गई। तो आपने क्या किया, रेट को डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया जब, तो आपका अमाउंट कितना होगा सेम पीरियड में, तो रेट आपकी कितनी आ गई, देखिए यहाँ आपका कितना आया, 2 × 300 डिवाइडेड बाई 24, तो यहाँ से 12 बार चला जाएगा 24, और यहाँ कितना बचेगा 6, ये 25 आपकी रेट आ गई। तो आर कितना हो गया, डबल करने के बाद आई है ये, पहले हमारी इतनी थी, डबल की आपने तो कितनी हो गई, 25 आ गई डबल होने के बाद। अब आपको क्या निकालना है, वॉट विल बी द अमाउंट इन सेम पीरियड, अमाउंट निकालना है आपको, तो आप इस तरह से ऐसा ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट के लिए सेम रुपीज़ है, 4,000 पर इंटू 25 इंटू 25 डबल करने के बाद इंटू 6 ईयर्स के लिए, यहाँ से आप ऐसा ही निकाल लेंगे, और ऐसा ही अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है ऐसा ही प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस तरह से पहले रेट कितनी थी, 25 डिवाइडेड बाई 2 आ रही थी, आपने डबल कर दी तो 25 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पी एंड क्यू कैन डू अ वर्क इन 16 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली इफ क्यू वर्क 4-5 डेज। देखिए पी कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है, क्यू वर्क को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे पहले, तो 16 और 20 का तो कितना आ जाएगा आपका, जाएगा ये जाएगा आपका 4 × 4 आ जाएगा 16 के लिए, और 20 के लिए कितना हो जाएगा, 4 × 5 है ना, तो ये आ जाएगा 20, तो यहाँ से, और ये 4 इसमें इंटू हो जाएगा, तो 20 और 4 कितना होगा, 4 × 8 80 आ जाएगा, तो 80 टोटल है, तो 16 का 80 में डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, और 20 का 80 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये 1 डे में इतना काम करते हैं, 16 डेज में कंप्लीट, 1 दिन का काम निकाल लिया हमने इनका, तो 5 दिन में क्यू कितना करेगा, तो 4 × 5 करेगा 5 दिन में, तो कितना किया, 20 इसने काम 5 दिन में किया, तो बचा कितना, बचा आपका 60, 80 - 20 करेंगे आप, 60 बच जाएगा आपका, तो जब 60 बच जाएगा तो क्यू को पी को 60 काम करना पड़ेगा है ना, तो कितने दिन में करेगा, 1 दिन में 5 करता है, तो 60 कितना करेगा, 60 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा, 12, 12 दिन में करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक बार मैं और रिवाइज करा देती हूँ, कैसा है, पी कितने दिन में कर रहा है आपका काम, 16 डेज में, क्यू कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में, तो टोटल आपने इनका एलसीएम लिया, तो आपका कितना वर्क आ गया, एलसीएम लेने पर 80 आ गया आपका। अब 1 दिन के वर्क के लिए करेंगे टोटल डिवाइडेड बाई इतना डेज, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना आ रहा है, 5, और ये कितना आ रहा है, 4। ठीक है, तो 1 दिन में, 1 डे के लिए, कितना 1 डे में कितना करेगा, 5 काम करेगा, ये 4 काम करेगा, तो आपको बोला है क्यों 5 दिन काम कर रहा है, 1 दिन में 4 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 × 4, तो कितना हो जाएगा, 20। तो टोटल 80 था, -20 ये करके गया, तो कितना बचा, 60 बचा, इसने 20 कर दिया, 80 में से 20 इसने कर दिया, तो 60 बचा। अब 60 पी को करना है, तो पी कितने दिन में करेगा, 1 दिन में 5 करता है, तो 60 कितने दिन में करेगा, 1 दिन का डिवाइड कर देंगे, तो कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। ठीक है, तो कंप्लीट एक वीक पी कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन एटॉमिक साइज व्हाइल गोइंग डाउन टू पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में नीचे की साइड जाते हैं आप, तो साइज में क्या डिफरेंस आता है, तो ऊपर से नीचे आप जाएंगे तो नॉर्मली आपकी साइज बढ़ेगी। जैसे देखिए फर्स्ट ब्लॉक है लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो यहाँ पे जो आपकी है ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, बट किसी किसी में ऐसा होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज नहीं बढ़ती, क्योंकि खाली डी डी ब्लॉक जो होता है वो खाली होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो अगर डी ब्लॉक खाली है तो आपकी जो साइज है वो कंपेटेबली कम होगी, बट ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, नॉर्मली साइज जो है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द रेशियो ऑफ एंगल, एक ट्राइंगल के रेशियो दे रखे हैं 1, 2, 3, फाइंड ईच ट्राइंगल। एक सारे एंगल निकालने हैं आपको, कोई भी एक एंगल ट्राइंगल है तो इनके जो तीनों एंगल हैं उनका वो प्लस कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर आपने पहला एक एंगल एक्स मान लिया तो कितना हो जाएगा, 1x+2x+3x=180, 3+2 5+1 6x=180 हो जाएगा आपका। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई इससे, 30 आ गई। तो एक पहला एंगल 30 हो गया, दूसरा कितना हो गया, 13 × 2, तो कितना हो जाएगा 60, और तीसरा कितना हो जाएगा, 13 × 2 3, तो 90 हो जाएगा। एक 30, 60 और 90 तीनों एंगल से इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक ये क्वेश्चन है 26, 28, 30, और यहाँ पे पूछना है, पूछा है और 34 दे रखा है, तो ये किस तरह से आप निकालेंगे। ये 18 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीरीज देखते हैं। 26 से 28 तो 2 का गैप है, यहाँ पे फिर 2 का गैप है, यहाँ पे कितने का होगा और यहाँ पे कितने होगा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 का ही गैप होगा, तो कितना जाएगा, 32 आ जाएगा आपका। ठीक है, सीरीज मेनली इसमें तो इजी पूछी जाती है, बाकी सीरीज में यही होता है कि आपका प्लस माइनस इनटू डिवाइड कुछ भी करके आपका ये आंसर आना चाहिए। मतलब इस तरह से दे रखा होता है, पहले इनटू कर दिया, 0.5 का इनटू कर दिया, फिर उसको 0.5 प्लस कर दिया, इस टाइप की सीरीज दे रखी होती है, या 0.5 का डिवाइड कर दिया, या फिर आपका 2 1 1 प्लस कर दिया, 1 का इनटू कर दिया, इस टाइप की आपकी सीरीज दे रखी होती है जनरली। ये काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जीके से क्वेश्चन है। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो आर्टिकल्स हैं वो किस किस पार्ट के हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट के अंदर आते हैं, तो ये फोर्थ पार्ट जो हमारा है, पार्ट 4, उसके अंदर आते हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। तो ये क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, इन पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सम प्रोविजंस एंड गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट लेड टू डाउन देती है। तो ये किस में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोला जाता है, और वो पार्ट 4 में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ सुपरसीलियस का सिनोनिम क्या है, तो इसका मतलब होता है बिहेविंग और लुकिंग एज दो वन थिंक्स वन इज सुपीरियर टू अदर्स। ऐसा सोचना कि कोई एक, मतलब किसी के बारे में सोचना कि ये सुपीरियर है सभी लोगों से, मतलब खुद के बारे में जनरली सोचना कि हम सुपीरियर हैं सबसे, इसको बोलते हैं। तो इसके लिए आप जो वर्ड सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, कोई एरोगेंट पर्सन ऐसा सोचता है, या कंसीटेड या डिसडेनफुल पर्सन जो होते हैं वो ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा बिहेव भी करते हैं कि हम सबसे सुपीरियर हैं। तो इस क्वेश्चन का जो भी सिनोनिम दे रखा होगा वहां पे आप इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, एंटोनिम्स पूछा है थ्रोट का। एंटोनिम क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रिवेंट समवन और एकॉम्प्लिशिंग समथिंग, ठीक है, या अपोज, किसी चीज को अपोज करना, जैसे किसी प्लान को, अटेम्प्ट को, या एम्बिशन को अपोज करना, जनरली ये होता है थ्रोट का मतलब। तो इसके जो भी एंटोनिम्स दे रखे होंगे वो आप लगा सकते हैं इस तरह से, मतलब मना कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इंडियन इंडियाज पोजिशन इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है WEF, उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की क्या रैंक है, उसमें 62 रैंक है इंडिया की। नेक्स्ट है, ईडीएम पूछा था कम इन हैंडी, इसका मतलब क्या होता है, टू बी स्पेशली यूजफुल, कोई चीज स्पेशली यूजफुल होना, या ऑफन टू ऑफन इन अ पर्टिकुलर सेटिंग और सिचुएशन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई चीज यूजफुल होना, उसको बोलते हैं हैंडी, मतलब काम आना किसी चीज का, तो बहुत ज्यादा यूजफुल होना कोई चीज, तो उसको बोलते हैं कम इन हैंडी। नेक्स्ट है, एंटोनिम्स ऑफ आइसोलेंट। आइसोलेंट का एंटोनिम पूछा है, इसका मतलब होता है शोइंग अ रूड और एरोगेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब रूड बिहेवियर शो करना, या एरोगेंट होना, या रिस्पेक्ट, कम रिस्पेक्ट करना दूसरों की, ये इसी तरह का क्वेश्चन हो गया जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया, अभी उस तरह का ही हो गया। तो इसके जो भी एंटोनिम्स होंगे आप इसको लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे वो मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो।
एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आया है तो. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.